बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट BS 16 सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जॉब के हवाले से। पिछले साल सितंबर में जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, आलमोस्ट 63,000 कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया असिस्टेंट BS 16 की जॉब के लिए, अभी तक उनका टेस्ट कंडक्ट नहीं हो सका है। और अब टेस्ट जो है ये कब तक एक्सपेक्टेड है? देखें, मोर देन 10,000 जो कैंडिडेट्स वाले टेस्ट हैं अभी स्टार्ट नहीं हुए। इस तरह लेक्चरर के टेस्ट हैं, तहसीलदार के टेस्ट हैं, जो बड़े कैंडिडेट्स जिनमें तादाद ज़्यादा है। तो असिस्टेंट का जो टेस्ट है ये अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ, यानी ये जुलाई के महीने में भी ये टेस्ट नहीं होगा और अगस्त में भी इसके चांसेस नहीं हैं। तो ये टेस्ट जो है इंशाल्लाह ताला ये पहले लेक्चरर के टेस्ट होंगे तो, और उसके बाद और इनका नंबर आएगा जब तहसीलदार के टेस्ट होंगे अगस्त के एंड पे, या इन बिटवीन ये टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। तो बहरहाल ये कैंडिडेट, क्योंकि ये GK का टेस्ट है, जनरल नॉलेज बेस्ड टेस्ट होता है, तो इस तरह क्योंकि कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, अगर कैंडिडेट्स की तादाद 10,000 से बिलो होती तो ये कब का हो चुका होता ये टेस्ट। बहरहाल इस वजह से ये पेंडिंग पड़ा है कि कोरोना की वजह से और फिर PPSC के अपने प्रॉब्लम्स की वजह से ये टेस्ट जो है मुसलसल तखीर का शिकार होता गया और अब भी मज़ीद तखीर का शिकार हो रहा है। और उम्मीद करते हैं ये टेस्ट जो है अगस्त के एंड में ये कंडक्ट हो जाए। तो कैंडिडेट्स जो ज़्यादा पूछ रहे थे तो उनके लिए ये गुजारिश है कि वो बस प्रिपरेशन करें और जनरल नॉलेज को बेहतर तरीके से तैयार करें, क्योंकि अब जो टेस्ट आ रहे हैं वो भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल के हैं, डिफरेंट नए MCQs में शामिल किए जा रहे हैं। तो जो प्रीवियस आपकी स्टडी है जिसमें हमने पास्ट पेपर्स को तैयार किया हुआ है या इस तरह का नॉलेज है, तो उसमें मज़ीद कुछ बेहतरी लेके आएँ ताकि ये आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है इस टेस्ट के लिए, तो आप जो है ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी तो ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों आज की थी ये न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़, न्यूज़ और डिटेल के लिए हमारे साथ रहें और देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।